नमस्कार दोस्तों, हारमोनियम गुरु एडवांस लेसन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही मेन राग और बहुत ही प्रचलित राग, आप ये समझ लीजिए कि ये राग बहुत ही फेमस राग है और बहुत सारे फिल्मी गाने इस राग के ऊपर हैं, और ये राग है राग चारुकेशी, जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। आज मैं आपको इस राग के कुछ पेट कोड हैं, देखिए हर एक गाने में ना कुछ पेट कोड लगते हैं, सारे के सारे कोड गानों में नहीं यूज़ होते, ठीक है। मानते हैं कि राग में सारे के सारे स्वर लगते हैं, बट गानों में सारे के सारे कोड नहीं यूज़ होते। आप देखिए यहाँ पे राग में टोटल 8 स्वर लग रहे हैं, सॉरी 7 स्वर लग रहे हैं, 8वां तो रेपिटेशन है सब तक का सा, बट गाने में टोटल 8 कोड नहीं लगे, गाने में सिर्फ गिने चुने 3 या 2 कोड ही लगेंगे। वही कोड मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेट कोड होते हैं जो आपके हर एक गाने में लगते हैं। सबसे पहले एक कोड है सा के लिए, जो कि हम यूज़ करेंगे सागा पा, ठीक है जी। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर बाई चांस आपका गाना 7 स्वर के ऊपर रुकता है तब भी आप सेम कोड लगाएंगे, बाई चांस आपका गाना गा स्वर के ऊपर लाइन रुकती तब भी आप सेम कोड लगाएंगे, बाई चांस आपके गाने की लाइन पा के ऊपर रुकती तब भी आप सागा पा ही लगाएंगे, तीनों स्वरों के लिए आप सागा पा ही लगाएंगे। उसके बाद मैं आपको जो दूसरा मेन कोड बताने जा रहा हूँ वो है कोमल नी का कोड, ठीक है जी। गाने में कोमल नी का बहुत यूज़ हुआ है, हर एक गाने में कोमल नी का यूज़ होगा जो गाने राग शिवरायनी के सॉरी राग चारुकेशी के ऊपर आधारित है, और जो कोमल नी का कोड है वो है रे मा नी, ये कोड बहुत यूज़ होता है, ठीक है जी। और ये जो अगर बाय चांस आपका गाना रे स्वर के ऊपर भी रुकता है तब भी आप रे मा नी ही यूज़ करेंगे, दोनों कोड नी के लिए भी यही सेम कोड है और रे के लिए भी यही कोड है, ठीक है जी। और उसके बाद एक कोड है माँ के लिए, माँ के लिए आप यूज़ करेंगे सा मा कोमल धा, ये एक कोड है माँ के लिए, ठीक है जी। और बाई चांस आपका गाने की लाइन कोई धा स्वर के ऊपर भी रुकती तब भी आप सेम कोड ही यूज़ करेंगे सा मा धा, ठीक है। ये माँ और धा के लिए कोड है, और ये नी और रे के लिए कोड है, और ये जो कोड है ये 3 स्वरों के लिए यूज़ करेंगे सा गा पा, ठीक है जी। अब मैं एग्जांपल के लिए आपको एक गाना भी बजा के दिखाता हूँ। आप देखिए ये पेट कोड है, ये हर एक गाने में लगने ही लगने हैं लाजमी, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आरोह बजाऊंगा, फिर आपको यही कोड यूज़ करके दिखाऊंगा। आरोह जैसे कि आपको पता है, देख लीजिए, ठीक है जी। अभी एक गाना पकड़ते हैं बेखुदी पे सनम, ठीक है, बहुत फेमस गाना है, पहली लाइन देखिए बेखुदी पे सनम रुकी पास और के ऊपर, देखिए रा 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 रा, पा के लिए हम सागा पा यूज करेंगे। दूसरी लाइन है उठ गए जो कदम, उठ गए जो कदम, सेम कोड सागा पा। उसके बाद आ गए तो कोमल नी के ऊपर रुक रहा है तो कोड यूज करें रेमा नी यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको लिखवाया। देखिए मैंने क्या कहा था, अगर कोई गाने की लाइन सा के ऊपर रुकती तब भी आप सागा पा लगाएं, कोई गाने की लाइन गा के ऊपर रुकती तब भी आप सागा पा यूज करें, कोई लाइन पा के ऊपर रुकती तब भी आप सागा पा यूज करें, तो मैंने वही यूज किया। फिर उसके बाद दूसरी लाइन रुकी आपकी रे नी स्वर के ऊपर, तो मैंने रेमा नी यूज किया, ठीक है जी। फिर से देखिए मैं पूरा बजा रहा हूँ, फिर से देखिए, ठीक है जी। फिर जितनी बार सा के ऊपर रुक रही तभी सागा पा लगा रहा हूँ, गा के ऊपर रुक रहा है तभी सागा पा, और पा के ऊपर भी रुक रहा है जब गाना तब भी मैं सागा पा यूज कर रहा हूँ। और नी के लिए हम यूज कर रहे हैं रेमा नी, आ गए, ठीक है जी। और अभी अंतर देखते हैं, आ गई दिल की, अंतरे की लाइन भी पा के ऊपर रुक रही तब भी हम सागा पा यूज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, वो
वही पेट कोड मैं यूज कर रहा हूँ जो मैंने आपको लिखवाए। अभी एक और गाना देख लीजिए, ठीक है, इस गाने में सिर्फ एक ही कोड यूज हो रहा है, पूरे गाने में एक ही कोड यूज होगा, वो है सा ग प, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, वही पेट कोड ही यूज हो रहे हैं। इसी तरीके से राग चारू किसी के ऊपर जितने भी गाने हैं, चाहे 1.5 लाख गाने, चाहे 2 लाख गाने, चाहे 5 लाख गाने, उनमें यही पेट कोड यूज होंगे। और आप इन कोड्स को रट्टा लगा लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए, और यही कोड आपको यूज करने हैं, जो कि मैंने आपको पेपर और पेन के माध्यम से समझाया था और मैंने आपको लिख के भी दिखा था। ठीक है जी, अगर नी स्वर के ऊपर रुकती लाइन तब भी आप प्रेमा नहीं यूज़ करेंगे, अगर कोई लाइन रे के ऊपर रुकती तब भी आप प्रेमा नहीं यूज़ करेंगे, और कोई लाइन मा स्वर के ऊपर रुकती तो सामा धा, धा के ऊपर रुकती तो सामा धा। ठीक है जी, अगर कोई गाने की लाइन सा गा पा तीनों स्वर में से किसी भी एक स्वर के ऊपर रुकती तब भी आप सा गा पा ही यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।